अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलमसी को मैं आपको खुश आमदीद कहते हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन है 5। लेट ए इज इक्वल टू -1, 3, 2, 0, बी 1, 2, -3, -5 एंड सी इज इक्वल टू 2, 1, 1, 3। वेरीफाई वेदर, हमारे पास ये 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, हमने इन सब को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 में है कि आपने पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर देखना है बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करके कि इनके आंसर्स इक्वल आते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ए मल्टीप्लाई बी, तो ए का मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास 2 कॉलम हैं और 2 ही रोज़ हैं। बी में भी सेम यही क्राइटेरिया है, 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अभी हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय -3। पहली रो को हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, अब पहली रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय -5। अब सेकेंड रो है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो हमारे पास -1 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 तो ये -9 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास -2 आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 तो ये प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई हो तो साइन माइनस का आता है, -15 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी की डिजिट से तो वो 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो 0 हो जाएगा, -1, -9 ये ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का लगेगा, -10, -2, -15, -17 आ जाएगा, 2 एंड 4। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। बी ए यानी कि पहले हम बी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, 1, 2, -3, -5, देन मल्टीप्लाई ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, -1, 3, 2, 0। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम लास्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 3, -5 मल्टीप्लाई बाय 0। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये -1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 4 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3 ही आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 ये 0 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये 3 हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये -10 हो जाएगा क्योंकि 5 के साथ माइनस है लिहाजा प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये माइनस का 9 आ जाएगा, -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 4 में से 1 को लेस कर देंगे तो हमारे पास 3 रह जाएगा, 3 में 0 ऐड किया तो वो 3 ही रहेगा, 10 में से माइनस कर दिए हमने प्लस के 3 तो हमारे पास माइनस के 7 आ गए, -9। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब हम पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में हमने क्या करना है कि ब्रैकेट लगी हुई है बी और सी के दरमियान ऊपर, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे बी सी मैट्रिक्स को और फिर मल्टीप्लाई करेंगे उनके आंसर को ए मैट्रिक्स के साथ। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 5 पार्ट 2। लेफ्ट हैंड साइड ए -1, 3, 2, 0 ब्रैकेट लगी हुई है बी और सी मैट्रिक्स के दरमियान, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसी रो को हमने सेकंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसी को हम नेक्स्ट वाले जो लास्ट है उसका
कॉलम 1 3, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे जिसके ऊपर ब्रैकेट लगी हुई है, 2 1 2 प्लस 2 1 2, 1 1 मल्टीप्लाई होंगे तो वो सेम 1 ही रहेगा, प्लस 3 2 6, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 1 5 ही रहेगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो माइनस 3 ही रहेगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे और ये माइनस 5 3 15। पहले हम इनको ऐड अप कर लेते हैं जो ऐड हो रहे हैं, और जो लेस हो रहे हैं उनको लेस कर देंगे, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 1 प्लस 6 7, माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11, माइनस 3 माइनस 15 माइनस 18। अब हम ए को और बी और सी के जो आंसर है हमारे पास उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 11, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 18। अब लास्ट वाली जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 11, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 18। अभी हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये माइनस 4 हो जाएगा, माइनस है 11 का साइन जो है वो माइनस है, लिहाजा जब ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 33 माइनस का आएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 7, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 18 तो 54 जो है वो माइनस का आएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी डिजिट से तो वो 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 18 तो ये 0 ही आ जाएगा। अब हम इनको ऐड अप कर लेते हैं, दोनों डिजिट्स माइनस के हैं 4 भी और 33 भी, तो ये ऐड होंगे और साथ साइन लगेगा माइनस का, माइनस 37 माइनस 7 माइनस 54 तो माइनस के 61 आ जाएंगे, 8 प्लस 0 तो ये 8 ही रहेगा, 14 प्लस 0 तो ये भी 14 ही रहेगा। ये तो थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, अब हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है कि ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर जो इनका आंसर आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना है सी मैट्रिक्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, राइट हैंड साइड बी ए प्लस ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये रहा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5। तो ये जो सी वाला मैट्रिक्स है ये एज इट इज रहेगा क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करना, अभी हम इसी को सॉल्व करेंगे। माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ तो ये माइनस 1 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 तो ये माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हमारे पास माइनस 2 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 तो ये माइनस 15 आएगा, 2 1 2 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी डिजिट से तो वो 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 ये भी 0 हो जाएगा। सी मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा क्योंकि अभी हमने इसी को सॉल्व करना है। माइनस 1 माइनस 9 तो दोनों डिजिट माइनस के हैं तो हम इनको ऐड करेंगे और साइन लगाएंगे माइनस का, माइनस 10 फिर यही होगा, माइनस 2 और माइनस 15 ये माइनस के 17 आ जाएंगे, 2 प्लस 0 ये 2 ही रहेगा, 4 प्लस 0 ये भी 4 ही रहेगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस माइनस 17 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस 17 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय
3, ये हमने इधर लिखा। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 टू आर 20 और ये माइनस का होगा क्योंकि 10 माइनस का है, और आगे 17 भी माइनस का होगा, 17 वन आर 17, 10 वन आर 10, ये माइनस का होगा क्योंकि 10 माइनस का साइन है, 17 थ्री आर 51 और ये भी माइनस का होगा क्योंकि 17 माइनस का है, 2 टू आर 4, 4 वन आर 4, 2 वन आर 2 प्लस 4 थ्री आर 12। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस का 20 है और माइनस का 17 है तो ये 37 माइनस का आ जाएगा, माइनस 10 माइनस 51 61 माइनस का आएगा, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 2 प्लस 4 2 प्लस 12 तो ये हमारे पास 14 हो जाएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 का, माइनस 13 माइनस 61 8 14, और ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है माइनस 37 माइनस 61 8 एंड 14। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में हमने क्या करना है, बी और सी को पहले हमने ऐड करना है और फिर जो इनका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है हमने ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू बी प्लस सी, तो इनको हम ऐड करते हैं, 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, माइनस 3 प्लस 1, माइनस 5 प्लस 3। तो पहले हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 ये भी 3 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 1 माइनस के 2 रह जाएंगे, माइनस के 5 और प्लस के 3 हैं तो हमारे पास माइनस के 2 रह जाएंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 आ जाएगा, 3 टू आर 6 और 2 माइनस का है लिहाजा ये माइनस का 6 आ जाएगा, यहाँ भी माइनस 3 और माइनस 6 आएगा, 2 थ्री आर 6, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 को तो वो 0 हो जाएगा, 2 थ्री आर 6 और फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 के साथ तो वो 0 हो जाएगा, माइनस का 3 है और माइनस का 6 है तो ये एड अप हो जाएंगे और साइन लगेगा माइनस का, माइनस 9 इधर भी माइनस 9 आएगा, 6 प्लस 0 वो 6 ही रहेगा और 6 प्लस 0 ये भी 6 रहेगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 और उसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड पे है ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, हमने इन दो मैट्रिक्सेस ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है ए और सी को मल्टीप्लाई करके। राइट हैंड साइड पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए मैट्रिक्स है ये बी है प्लस ए और सी मैट्रिक्स, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हमने लिखा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। अब हम इसी रो को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला जो 2 माइनस 5 वाला कॉलम है हमारे पास, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हमने लिखा, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5। अब हम सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, फिर इसी रो को हम सेकेंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 एड। अब हम ए और सी को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ये लिखा है, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 3 प्लस का है और 3
प्लस का 3 है, मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस के 3 के साथ, तो ये 3 3s are 9, लेकिन माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन माइनस का आता है, लिहाजा यहाँ पे माइनस 9 आ जाएगा। माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 तो माइनस 2 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 माइनस 15, 2 1s are 2, और 0 को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। 2 2s are 4, 0 को माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 0 हो जाएगा। माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 ये माइनस 2 आ गया। 3 1s are 3, ये हमने 3 लिख दिया। माइनस 1 मल्टीप्लाई कर रहा है 1 के साथ तो माइनस का 1 आ जाएगा। प्लस 3 3s are 9, 2 2s are 4, प्लस 0, क्योंकि 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाएगा। 2 1s are 2, प्लस 0 3s are 0। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। पहले माइनस 1 माइनस 9 तो ये माइनस का 10 आ गया। माइनस 2 माइनस 15 ये माइनस 17 आ गया। 2 प्लस 0 2 ही आएगा। 4 प्लस 0 4 आ जाएगा। माइनस 2 प्लस 3 प्लस का 1 आ जाएगा। माइनस 1 प्लस 9 हमारे पास प्लस का 8 आ जाएगा। 4 प्लस 0 4 आ जाएगा। 2 प्लस 0 2 आ गया। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। माइनस 10 प्लस 1 माइनस 17 प्लस 8 2 प्लस 4 4 प्लस 2। तो हम इनको सॉल्व कर लेंगे। माइनस के 10 है, प्लस का 1 है, तो हम लेस कर देंगे तो 9 रह जाएंगे माइनस के। माइनस 17 लेस 8 तो 9 रह जाएंगे हमारे पास माइनस के। 2 प्लस 4 तो ये 6 आ गया हमारे पास, ये प्लस का है। 2 प्लस 4 ये भी 6 है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देख लेते हैं। माइनस 9 माइनस 9 6 6 और ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। माइनस 9 माइनस 9 6 और 6, ये 6 प्लस का है। नीचे हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे लास्ट वाला पार्ट यानी के फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट की राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या करना है कि पहले हमने बी में से सी को लेस करना है और जो उनका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स के साथ। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू बी माइनस सी, ए एज इट इज रहेगा, बी मैट्रिक्स माइनस सी मैट्रिक्स। अभी हम इनको लेस कर लेते हैं। 1 माइनस 2, 2 माइनस 1, माइनस 3 माइनस 2, सॉरी माइनस 3 माइनस 1, माइनस 5 माइनस 3। इनको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा। 1 माइनस 2 यहाँ पे माइनस का 1 रह जाएगा। 2 माइनस 1 तो ये हमारे पास प्लस का 1 आ गया। माइनस 3 माइनस 1 ये माइनस 4 हो जाएगा। माइनस 5 माइनस 3 ये माइनस का 8 हो गया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है और ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि पहले मैट्रिक्स के 2 कॉलम हैं और दूसरे मैट्रिक्स की 2 रोज हैं, तो ये क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं। माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, फिर इसी इन्हीं दो डिजिट्स को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8। अब हम सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 ये लिखा, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, सॉरी 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 प्लस का है, 4 माइनस का है। 3 4s are 12, लेकिन साइन माइनस का लगेगा क्योंकि जब माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन माइनस का आता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 1 आएगा क्योंकि साइन माइनस का है, और ये भी 24 माइनस का आएगा क्योंकि 8 माइनस का है। 2 1s are 2, माइनस का 2 आएगा क्योंकि 1 के साथ माइनस है। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो वो 0 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ गया, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 से तो वो 0 हो जाएगा। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 12 माइनस के 11 रह जाएंगे। माइनस 1 माइनस 24 ये माइनस 25 हो जाएंगे।
माइनस टू प्लस जीरो माइनस टू ही आएगा, टू प्लस जीरो ये भी टू ही आएगा। तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम राइट हैंड साइड भी सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों के जो आंसर्स होंगे उनको हमने लेस कर देना है। राइट हैंड साइड ए प्लस ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी। तो पहले हम माइनस वन और माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों कॉलम्स के साथ। माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन, थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री, ये हमने लिख दिया। माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव, टू मल्टीप्लाई बाय वन, अब सेकेंड रो है, प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री, टू मल्टीप्लाई बाय टू प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव। अब हम इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय वन, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय थ्री, टू मल्टीप्लाई बाय टू, अब ये सेकेंड रो है, जीरो मल्टीप्लाई बाय वन, टू मल्टीप्लाई बाय वन प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय थ्री। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, माइनस वन और प्लस वन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का वन आ जाएगा, थ्री थ्री और नाइन, लेकिन साइन माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का नाइन आएगा। माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू तो माइनस टू आ जाएगा, थ्री फाइव और फिफ्टीन, लेकिन फाइव माइनस का है लिहाजा यहाँ पे फिफ्टीन माइनस का होगा। टू वन आर टू, जीरो थ्री आर जीरो, टू टू आर फोर, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही रहेगा। वन माइनस का है, टू प्लस का है तो ये माइनस का टू आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। थ्री वन आर थ्री, वन वन आर वन, लेकिन माइनस का साइन है वन के साथ लिहाजा ये भी माइनस का होगा। थ्री थ्री आर नाइन, टू टू आर फोर, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी डिजिट से तो वो जीरो हो जाएगा। टू वन आर टू, जीरो को मल्टीप्लाई किया थ्री से तो वो जीरो हो गया। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, माइनस नाइन माइनस वन तो ये माइनस टेन आ जाएगा। माइनस हमारे पास है फिफ्टीन और माइनस टू, ये माइनस सेवनटीन हो जाएगा। और ये माइनस वन यहाँ से आया है सेकेंड मैट्रिक्स से, माइनस टू प्लस वन, और ये प्लस का वन था लेकिन इन दोनों के दरमियान माइनस है लिहाजा ये प्लस और माइनस माइनस का वन बन गया है। और ये माइनस के सेवनटीन यहाँ से आए हैं और ये एट इधर से आया है माइनस का। माइनस का कैसे आया है, नाइन प्लस का है, माइनस का वन है, तो प्लस के हमारे पास रह गए एट, लेकिन इस जो जो बाहर माइनस है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर और ये आठ माइनस का हो जाएगा। टू प्लस ज़ीरो ये टू ही रहेगा, फोर प्लस ज़ीरो ये भी फोर रहेगा, लेकिन टू माइनस ये वाला फोर, फोर प्लस ज़ीरो ये फोर ही रहेगा, और टू में ज़ीरो ऐड किया तो वो भी टू रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमने लिखना है फोर माइनस ये वाला टू, तो ये हमने यहाँ पे एंट्री लिख दी है फोर माइनस टू। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस टेन माइनस वन ये माइनस इलेवन हो गए, माइनस सेवनटीन माइनस एट तो ये माइनस के ट्वेंटी फाइव हो जाएंगे। टू प्लस के हैं और टू माइनस के हैं तो ये माइनस के टू आ गए, और ये फोर प्लस का है और माइनस का टू है तो ये हमारे पास प्लस का टू आ गया। पहले हम देखते हैं हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी और